दोस्तों अभी जो वीडियो सीक्वेंस आपने देखे नहीं, कोई ड्रोन से कैप्चर किए गए नहीं है, ये मैंने रिकॉर्ड करे अपने स्मार्टफोन से इस वाले गैजेट को इस्तेमाल करते हुए। नाउ कहने को तो ये एक ट्राइपॉड है, बट ये एक मल्टीपर्पज डिवाइस है। इससे आप एज ए ट्राइपॉड, मिनी ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक, वीडियो स्टेबलाइजर और फेक ड्रोन वीडियोस कैप्चर करने के लिए यूज कर सकते हो। सो काफी कूल गैजेट है, आगे वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सो ये आता है एंडोबिल की तरफ से और मेरे को इस बॉक्स के अंदर रिसीव हुए। बॉक्स में मेरे को ये ट्राइपॉड मिला और कुछ मेटल रिंग्स मिले। नाउ इस मेटल रिंग्स को यूज़ करती हुई आप अपने स्मार्टफोन को इस ट्राइपॉड के ऊपर मैग्नेटिक अटैच करने वाले हो। एज यू कैन सी यहाँ पर मैंने अपने फोन के पीछे की तरफ ये जो कैप्टन अमेरिका का लोगो है यहाँ पर एक मैग्नेटिक रिंग को अटैच कर दिए हैं। और इस ट्राइपॉड में ये जो मोबाइल होल्डर है इसमें पीछे की तरफ ये जो क्लैंप है, अगर आप इसको प्रेस करते हो तो ये मोबाइल होल्डर खुल जाता है। अब उसके बाद आप अपने फोन को इसके ऊपर कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे तो ये मैग्नेटिकली अटैच हो जाएगा और आप देख सकते हो मैग्नेटिक अटैचमेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मैंने मोबाइल होल्डर को लॉक नहीं करे हैं, बट फिर भी ये मेरे फोन को बहुत ही स्ट्रॉन्गली होल्ड करके रखे हैं, ये गिरने नहीं वाला है। बट फॉर सेफ्टी यहाँ पर पीछे की तरफ ये जो बटन है इस पर प्रेस करके ये जो मोबाइल होल्डर है इसको आप लॉक कर देंगे तो आपका जो फोन है यहाँ पर स्ट्रॉन्गली अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने फोन को कुछ इस तरीके से 360 डिग्री रोटेट कर सकते हो या फिर यहाँ पर जो नॉब है इसको ढीला करते हुए आप अपने फोन को आगे या फिर पीछे की तरफ टिल्ट कर सकते हो। नाउ अगर आप इस ट्राइपॉड को कुछ ऐसे ही इस्तेमाल करते हो तो इसे आप एज ए मोनोपॉड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो वीडियो कैप्चर करने के लिए। अगर आप अपने फोन को ऐसे ही हाथ में पकड़कर चलते हुए वीडियो कैप्चर करते हो तो आपका हाथ काफी ज्यादा शेक करता है, जिसकी वजह से आपका जो वीडियो क्लिप है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल आता है। बट इस ट्राइपॉड के ऊपर अपने फोन को अटैच करने के बाद आपका जो फोन का वेट है, इस गैजेट का जो वेट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद आप इसको यहां पर कुछ इस तरीके से होल्ड करते हुए अगर आप चलते हुए वीडियो कैप्चर करेंगे तो आपके हाथ के ऊपर थोड़ा वेट आएगा, जिसकी वजह से आपका जो हाथ है वो काफी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और नॉर्मल हैंडहेल्ड जो वीडियो आपको मिलता है उससे कहीं ज्यादा स्टेबलाइज्ड वीडियो आप इससे कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद नीचे इसका जो लेग है इसको आप कुछ इस तरीके से अनफोल्ड करते हुए इसको आप एज ए मिनी ट्राइपॉड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका ये जो मोबाइल होल्डर है, ऊपर का ये जो मोबाइल होल्डर है, ये यहां पर से डिटैच हो जाता है कुछ इस तरीके से। सो इसको डिटैच करने के बाद नीचे का जो पार्ट है इसे आप एज ए ट्राइपॉड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ट्राइपॉड माउंटिंग थ्रेड है, तो इसके ऊपर आप अपने DSLR, मिररलेस कैमरा, एक्शन कैमरा, माइक्रोफोन, किसी भी चीज़ को माउंट कर सकते हो। नीचे के पार्ट को सेपरेटली आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों ये एक मिनी ट्राइपॉड नहीं है, अगर आप इसको कुछ इस तरीके से खींचते हो बाहर की तरफ तो ये एक्सटेंड हो जाता है और टोटल 7 स्टेप में ये एक्सटेंड होता है। और एक्सटेंड होने के बाद जो एक रेगुलर साइज ट्राइपॉड होता है उतना हाइट आपको मिल जाता है। हम अपने DSLR कैमरा या फिर स्मार्टफोन के साथ जो रेगुलर साइज ट्राइपॉड इस्तेमाल करते हैं उतना हाइट ये आपको दे देता है। और इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड करते हुए इसे आप अपने फोन के लिए एज ए सेल्फी स्टिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो मेरा फोन मेरे से काफी ज्यादा दूर है तो यहां पर मेरे को एक काफी वाइड फ्रेम मिल रहा है, जिससे कि मैं काफी बढ़िया ब्लॉगिंग कर सकता हूं, मैं अपने आप को दिखा सकता हूं, साथ ही साथ मेरे आसपास का जो एरिया है वो भी दिखा सकता हूं अपने ब्लॉगिंग वीडियोज में। यहां पर आप देख सकते हो मेरा फोन काफी ज्यादा दूर है तो मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा है। सो यहां पर अगर मान लीजिए मेरे को वीडियो को ऑन करना है या फिर ऑफ करना है, मतलब रिकॉर्ड करना है या फिर स्टॉप करना है, तो मैं यहां पर से नहीं कर सकता हूं। तो इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए यहां पर ट्राइपॉड के नीचे की तरफ आपको यहां पर एक ब्लूटूथ रिमोट दिया जाता है, जो कि आपके फोन के साथ ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट हो जाता है और इससे आप वायरलेसली वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर स्टॉप कर सकते हो, फोटो कैप्चर कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा भी फेक ड्रोन शॉट्स कैप्चर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फेक ड्रोन शॉट मतलब जो वीडियो क्लिप है वो ड्रोन से कैप्चर किया गया वीडियो क्लिप की तरह ही दिखेगा, बट एक्चुअली में ड्रोन से कैप्चर किया गया नहीं होगा। तो ये जो गैजेट है इसको यूज करते हो आप ऐसे वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन को इस ट्राइपॉड के ऊपर प्रॉपरली अटैच कर दीजिए और अच्छी तरीके से अटैच करेगा, बिकॉज आपका जो फोन है वो लगभग 10 से 12 फीट हाइट में जाने वाला है। तो अगर वहां पर से आपका फोन गिर जाए तो आपका फोन बचेगा नहीं, तो प्रॉपरली अच्छी तरीके से आप अटैच कर दीजिए। उसके बाद आप अपने फोन के कैमरे के अंदर जाइए, वीडियो मोड में जाइए और जो वाइड एंगल कैमरा है आप उसको चूज कर लीजिए। वीडियो रिकॉर्डिंग आप ऑन कर दीजिए और फिर जो ट्राइपॉड है उसको आप एक्सटेंड करिए, जितना ज्यादा एक्सटेंड हो सकता है उतना ज्यादा आप एक्सटेंड करिए और फिर आप उसको ऊपर की तरफ होल्ड करिए। जितना ऊपर आप होल्ड कर सकते हो उतना ऊपर आप होल्ड करेंगे तो आपको लगभग 10 से 12 फीट का हाइट मिल जाएगा। और 10 से 12 फीट के हाइट से वाइड एंगल कैमरे से आप वीडियोस जो शूट करेंगे वो बिल्कुल ही एक ड्रोन से शूट किया गया वीडियो की तरह दिखेगा। तो यहां पर मैंने इस ट्राइपॉड को यूज करते हुए अपने स्मार्टफोन से कुछ फेक ड्रोन शॉट्स कैप्चर करे। आप वीडियो क्लिप्स को और उसके बिहाइंड द सीन्स को देखो, उसके बाद आप मेरे को कमेंट करके अपना ओपिनियन शेयर करिए। We'll be right back.
ट्राइपॉड है तो बहुत ज्यादा कूल, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर आप यहाँ पर इस मोबाइल होल्डर को रिमूव कर देते हो और इसके ऊपर अपने DSLR या फिर कोई हेवी कैमरे को माउंट करते हो और इस ट्राइपॉड को एक्सटेंड कर देते हो, तो वहाँ पर आपका जो कैमरा है वो सेफ नहीं रहता है, बिकॉज ये छोटे साइज का है, कॉम्पैक्ट है, इसके वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आपके लगभग 1 से 1.5 kg के DSLR को ये अच्छे तरीके से होल्ड कर पाए। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप इसको अपने DSLR के साथ यूज कर रहे हो तो इसे आप एज ए मिनी ट्राइपॉड की तरह इस्तेमाल करें, या फिर एक यहाँ पर 2 स्टेप तक आप इसको इंक्रीज करिए, उससे ज्यादा मत करिए, अदरवाइज आपका ट्राइपॉड गिर सकता है, आपका कैमरा टूट सकता है। बाकी मोबाइल के साथ यूज करने के लिए ये एक बहुत ही कूल और यूजफुल गैजेट है, बहुत ही प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, साथ ही साथ मल्टी फंक्शनल है, बहुत सारे पर्पस में आप इसे यूज कर सकते हो। सो हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस प्रोडक्ट के ऊपर मेरे को कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।